अज जलंधर दे विच जिला पदरी आजादी दिवस समागम दौरान कौमी झंडा लहराउण दी रसम विधानसभा दे डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने निभाई। झंडा लहराउण तो बाद पंजाब पुलिस, होमगार्ड्स अते एनसीसी दी टुकड़ी ने उन्हां नूं सलामी दित्ती। डिप्टी स्पीकर ने परेड दा निरीक्षण भी किया। इस दौरान वख-वख स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। सुतंत्रता दिवस के प्रोग्राम च उन्हां नाल जलंधर तो आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर सुशील कुमार, रिंकू विधायक रमन अरोड़ा मौजूद सन। 15 अगस्त 1947 नूं साडा देश आजाद होया, सन्मान है। बेशक असी घट गिणती विच हाँ, पर इसके बावजूद भी देश की आज़ादी में पंजाबियों का सब तो वड्डा जिहड़ा योगदान है। साडे महान आजादी घुलाटियां वल्लों लै सुपनिआं नूं साकार करन लई अजे भी बहुत कुछ करन दी लोड़ है, जो कि देश के लोगों का जीवन पद्धर जिहड़ा उच्चा चुकिया जा सके। इन्हां सुपनिआं नूं पूरा करन लई अते सूबे के लोगों वल्लों दित्ते अथाह प्यार सदका पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी ने जिथे अपने अहुदे की सहुं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के जद्दी पिंड खड़कड़ कलां विखे चुकी, उत्थे नाल ही लोगों का जीवन मियार उच्चा चुकने लई सिर तोड़ यतन कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की रहनुमाई विच अजिहे बहुत सारे फैसले भी ले जा चुके हैं, जिन्हां दे पास्यों हर पास्यों जिहड़ी शलाघा हो रही है, जिवें कि शहीदां नूं दित्ता जा रहा विशेष सन्मान। पंजाब सरकार के दफ्तरां विच शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी दीआं तस्वीरां लगाईआं गईआं हन। कई सालों तो बंद पे शहीद भगत सिंह राजजोबा पुरस्कार मुड़ शुरू किया गया। मोहाली एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम के उत्ते रखा गया। ड्यूटी दौरान शहीद सैनिकों के परिवारों को माण पत्ता वधा के 1 करोड़ रुपया किया गया। ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी हादसे कारण जान गवाण वाले सैनिक के परिवारों को वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया गया होगा। आजादी घुलाटियां की पेंशन 9400 तो वधा के 12000 रुपये कर दी गई है। यही नहीं, हड़ां की स्थिति नाल निपटण लई पंजाब सरकार वालों 105 करोड़ की राहत राशि फौरी तौर पर दी गई और मुख्यमंत्री हड़ प्रभावित इलाकों नूं लोगों नूं आप मिलन गए। पंजाब सरकार ने मुफ्त बिजली देने का अपना वादा पूरा किया। अज 90% खपतकारां दा बिजली का बिल 0 आया है। रुजगार के खेत्र में पिछले 1 साल दौरान 30000 तो वध सरकारी नौकरियां दित्तियां गई हैं। 12000 तो वध कच्चे मुलाजम जिहड़े है वह पक्के किए गए हैं। सेहत बीमा तहत 583 आम आदमी क्लीनिकां विच वाधा करके 73 होर नवें आम आदमी क्लीनिक खोले जा रहे हैं। सिक्ख्या के खेत्र में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है। 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किए गए हैं। प्रिंसीपलों नूं सिखलाई लई सिंगापुर भेजा गया है। NDA ते सिविल सेवावां प्रीख्या की तैयारी लई मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलण का फैसला किया गया है। खेडां दे खेत्र में पहली बार खेडां वतन पंजाब दीआं करवाईआं गईआं, जिस विच 3 लाख तो वध खिडारियों ने हिस्सा लिया। 9961 मैडल जेतुआं नूं 6,85,00,000 रुपए के इनाम वंडे गए। राष्ट्रमंडल खेडां विच तमगा जित्तण अते हिस्सा लैण वाले 23 खिडारियों नूं 9,30,00,000 रुपए की नकद इनाम राशि दी गई है। नैशनल गेम्स दे मैडल जेतू 146 खिडारियों नूं 5 करोड़ रुपए तो नकद इनाम राशि दी गई है। यही नहीं, पंजाब सरकार वालों 1 विधायक 1 पेंशन बिल पास करके अहम जिहड़ा कदम है वो चुकया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया और बड़ी गिनती में गैंगस्टर काबू किए गए हैं। खेतीबाड़ी के खेत्र में किसानों की आर्थिक हालात मजबूत करने मूंगी तीजी फसल वालों उत्साहित किया गया है, जिस नाल मूंगी दी रकबे में वाधा होया है। झोने की सीधी बिजाई उत्साहित किया जा रहा है। 14000 के करीब बंद पे नहरी खाले जड़े आ मुड़ चालू किए गए आ। यही नहीं, हुण तक 11665 एकड़ पंचायती जमीन नजायज कब्जे छुड़ाया जा चुकिया है। सैर सपाटे प्रफुल्लित करने लई पंजाब एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी 2023 लागू की गई है। इस साल पूरे सूबे में 1.25 करोड़ तो वध बूटे लगाए गए हैं। दरियावां नूं साफ करने पे पूरा जोर दिता जा रहा है।
दुआबे का दिल। जलंधर के सरपट्टी विकास की गल करिए 93 करोड़ की लागत न 261 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जिलों में 17 होर आम आदमी क्लीनिक बीते कल ही शुरू किए गए हैं। जिले में पहले ही 36 आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं। जलंधर में 9 स्कूल ऑफ एमएनए शुरू किए गए हैं। स्मार्ट विलेज कंपेन तहत पिंडों के सरपट्टी विकास के लिए 169 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिला जलंधर में कुल 186.36 करोड़ रुपए की ग्रांट प्राप्त हुई है, जिस विच 110.80 करोड़ रुपए के विकास काम किए जा चुके हैं। जिले में 15 उच्च पद्धरी खेड ग्राउंड बनाए गए हैं। जिले के पिंड अंदर 36 जल तलाब बनाने का काम मुकम्मल कर गया है। यही नहीं, पंजाब सरकार वालों पिंडों में आजादी गुलाटियां के शहीदों श्रद्धांजलि अर्पित करने हरेक पिंड एक स्मारक बनाने से पौधे लगाने का काम किया जा रहा है। अज हरेक माँ बाप का सुपना है, अज हरेक नागरिक का सुपना है कि मेरा बच्चा जड़ा आ वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, मेरा बच्चा जड़ा आ वो बड़ा होकर वकील बने, मेरा बच्चा जड़ा आ वो बड़ा होकर MLA बने, मुख्यमंत्री बने, मेरा बच्चा जड़ा आ वो बड़ा होकर जड़ा बहुत बड़ा अफसर बने। मैं समझना कि साढ़े शहीदों के सुपनों का पंजाब, साढ़े शहीदों के सुपनों का देश वो कदे साकार हो सकता है जेकर अज असी प्रण करिए कि एक डॉक्टर बन तो पहला, एक अफसर बन तो पहला, एक मुख्यमंत्री बन तो पहला असी अपने देश का एक चंगा नागरिक बनना है। और मैनूं खुशी इस गल दी है कि पंजाब दे विच माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार अज स्कूलों के अज पिंडों के शहरों के एक चंगा नागरिक बनाने के लिए जिहड़े उपराले किए जा रहे हैं, उस गल की मैनूं तसली है। अखीर में मैं ये कहांगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सूबा सरकार मुड़ सूबे नूं रंगला पंजाब, हसदा खेड़दा खुशहाल पंजाब बनाने लई कोई कसर नहीं छड्डेगी।